महिलाओं द्वारा संचालित उड़ान एक मंजिल सामाजिक संस्था द्वारा भिलाई टाउनशिप क्षेत्र में तेज चाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पर्यावरण और योगा को ध्यान में रखते हुए तेज चाल प्रतियोगिता का आयोजन उड़ान एक मंजिल सामाजिक संस्था द्वारा भिलाई में पहली बार किया गया, जिसे दुर्ग के DFO शशि कुमार और भिलाई नगर निगम के पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तेज चाल प्रतियोगिता में हर आयु वर्ग की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता का मकसद पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों को ध्यान में रखकर किया गया था। प्रतियोगिता में शामिल महिलाओं को 100 से अधिक विभिन्न प्रकार के वृक्षों का वितरण भी किया गया। उड़ान एक मंजिल के तहत आज एक 2 किलोमीटर का वॉकेथलॉन किया गया था पर्यावरण हेतु जागरूकता फैलाने के लिए, और यहाँ पे बहुत ही बढ़ चढ़ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ये एक काफ़ी अच्छा संदेश है। और यहाँ पे हम लोग पौधे वितरण भी कर रहे हैं जो, और ये पर्यावरण के प्रति और खुद को एक फिट रखने के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन एक काफ़ी अच्छा बढ़िया यहाँ पे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया। आज उड़ान एक मंजिल द्वारा इको फ्रेंडली मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इनका एक उद्देश्य यह था पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना, एवं योगा डे आ रहा है उसमें भी लोगों को उसके प्रति भी जागरूक करना, ताकि आजकल देख रहे हैं पर्यावरण के कारण, आपने कोरोना कार्यकाल में भी देखा है, सिर्फ जहां कमी थी एक ही कमी थी ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। साथ ही साथ लोगों को स्वस्थ रहने के लिए एवं हमेशा जागरूक रहने के लिए यह आयोजन किया गया है। हमारा इस कार्यक्रम को तेज चाल प्रतियोगिता जिसे हमने रखा है, भिलाई में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजन किया है, क्योंकि हम जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, जो सुबह चलते हैं और लोग कहते हैं कि तेज चलना चाहिए, बस उसी उद्देश्य को हमने, बहुत ज़्यादा नियम की बाध्यता नहीं रखी और उसी उद्देश्य को रखते हुए हमने ये कार्यक्रम को रखा है। हम ये प्रेरणा देना चाहते हैं लोगों को कि आपके आस पास से छोटे मोटे जितने भी जगह आपके जो काम से जाते हैं, कोशिश करें कि पैदल जाएँ। इससे दो फायदे तो होंगे, एक तो पर्यावरण को फ़ायदा होगा और दूसरा आपके स्वास्थ्य को फ़ायदा होगा।